हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? सही है, अच्छे हैं। मैं पीयूष मोहन आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं आपके अच्छे पसंदीदा चैनल, आपके चहेते चैनल विशेष औषधि वाला में आपका पुनः स्वागत करता हूं, पुनः आपको नमस्कार करता हूं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो मिल रहे हैं आपको, नियमित रूप से मिल रहे होंगे यदि आपने बेल आइकन को प्रेस करके रखा होगा। तो नहीं करके रखा है तो अभी सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको पसंद आ रहे हैं तभी तो आप देख रहे हैं, और बेल आइकन को दबा दीजिए और दूसरों को भी बता दीजिए कि मैं एक बहुत बढ़िया चैनल आपको बता रहा हूँ, उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें जानकारियां ऐसी होती हैं जो अभी तक ना तो किसी को पता है ना किसी ने शेयर की है। इस तरह का जो चैनल है वो स्पेशल चैनल है, अद्भुत चैनल है, क्योंकि इस तरह की जानकारियां दूसरे चैनल्स पर अक्सर नहीं मिलती है, क्योंकि दूसरे चैनल्स पर हंसी मजाक के और कॉमेडी वाले ज्यादा वीडियोस मिलेंगे आपको, लेकिन जो इन्फॉर्मेटिव जो जानकारी वाले वीडियो है वो केवल एक बात यही है, विशेष औषधि वाला। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में, एक ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार कम जानकारी की वजह से कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर लेते हैं, जिससे कि आप बच सकते हैं यदि आपके पास कोई जानकारी होगी तो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहद के ऊपर। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, शहद के बारे में ऐसी जानकारी आपको शायद नहीं पता है और आपको जाननी चाहिए, तो अंत तक वीडियो को देखना अवश्य। दोस्तों, मैं फिर आ गया हूं आपके सामने बताने के लिए, आपको शहद के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। शहद नेचुरल प्रोडक्ट होता है, 100% आयुर्वेदिक होता है, और आयुर्वेद पर तो आपको लौटना ही पड़ेगा, कि आयुर्वेद ही है तो मुमकिन है, और आयुर्वेद पर तो लौटना ही पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि आयुर्वेद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि आप आयुर्वेद पर आश्रित नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को बीमार कर लेंगे। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं शहद के बारे में। दोस्तों, मेरे पास में पतंजलि का 1 किलो का शहद है, और शहद के बारे में ऐसे मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूं जो शायद आपको पहले से या तो पता नहीं थे, या पता है भी तो भूल चुके हैं। नहीं पता है तो मुझे बताइएगा, और पता थे तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। देखिए, सर्दियों में खासकर अक्सर शहद कई बार जम जाया करता है। जम जाता ना आपका भी शहद? आपसे बात कर रहा हूं, जम गया था ना आपका शहद एक बार? पता करके बताइए, घर में पूछ लीजिए, जम गया था ना? जमने के 2 कारण होते हैं। एक तो देखिए, सर्दी इतनी अधिक पड़ रही है, बहुत ठंड है, तो सर्दियों में शहद अक्सर जम जाया करता है। हाँ जी, सर्दियों में शहद अक्सर जम जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब हो गया, और उसमें चीनी जैसे यानी क्रिस्टल पड़ जाते हैं, उसमें चीनी जैसे क्रिस्टल पड़ जाते हैं, तो उसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो खराब हो गया और चीनी उसमें मिला रखी है। क्रिस्टल बनने के बाद में कोई भी चीज चीनी जैसी या क्रिस्टल जैसी लगेगी तो आपको लगता है कि शायद इसमें चीनी मिली हुई है, ऐसा कतई नहीं है। चीनी शहद में कोई नहीं मिलाता। आप जो अनब्रांडेड शहद होगा, शायद कोई मिलाता हो तो मिलाता हो, ऐसे कोई नहीं मिलाता है। जो ब्रांडेड है वो तो कोई कभी नहीं मिलाता, क्योंकि ब्रांड अगर उनको उनका खराब हो गया तो फिर कोई नहीं लेगा। तो चीनी तो कोई ऐसा मिलाता नहीं है। तो आप समझ लीजिए, यदि शहद जम गया है तो ठंड की वजह से जमा है, और यदि आपकी गलती से जमा है तो वो भी बता देता हूं गलती क्या होती। कई बार हम जो चम्मच है गीली चम्मच इसमें डाल देते हैं शहद में, गीली चम्मच डालने से भी, शहद के अंदर गीली चम्मच डालने से भी शहद जम जाया करता है दोस्तों। हाँ जी हाँ, शहद जम जाता है, आप मेरी बात मानिए, शहद यदि जम गया है तो उसको किसी तरह से गर्म कर लीजिए, वो पुनः अपने पहले से रूप में आ जाएगा। उसको फेंके मत, अपना नुकसान मत करिए, अनचाहे में अनजाने में अपना नुकसान मत करिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ पतंजलि में, ऐसा प्रोडक्ट है पतंजलि का जिन्होंने साफ लिख दिया है कि दही की शहद का जमना उसका प्राकृतिक गुण है। साफ लिखा हुआ, शहद का जमना उसका प्राकृतिक गुण है, लिखा हुआ ना, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना आपको, इसमें लिखा हुआ शहद का जमना उसका प्राकृतिक गुण है। पतंजलि हनी शुद्धता के 100 से अधिक मापदंडों पर 100% खड़ा है, और हनी का जमना उसका स्वाभाविक गुण है। साफ लिखा हुआ, हनी का जमना उसका स्वाभाविक गुण है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अनजाने में यदि आपका शहद जम गया है तो उसको फेंकिए मत, उसको गर्म पानी के बर्तन में थोड़ी देर रख दीजिए,
पानी के बर्तन में थोड़ी देर रखने से वो अपने सामान्य रूप में आ जाएगा, फिर आप उसको पहले की तरह से खा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसी लगी मेरी जानकारी, यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना मत भूलना, आपको पता ही है। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको फिर अगले वीडियो में और किसी नई जानकारी के साथ, आपसे जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए आप अपना पसंदीदा, अपना चहेता चैनल विशेष औषधि वाला। प्रणाम मित्रों।